हेलो गाइस, तो फिर से मैंने एक नई बोतल लेके आ गया है आप सभी के लिए, जो कि आपने थंबनेल में तो मॉडल नंबर देखा ही होगा, तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले मेक श्योर कि आप हमारा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दे और इस वीडियो को लाइक भी करते चले और साथ में बेल आइकन भी दबा दे, ताकि हम जब वीडियो को अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन इसकी सबसे पहले मिले। चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में मैं अपना फाइनल रिव्यू भी इसके ऊपर देने वाला हूँ। इसको मैं कुछ देर यूज करूंगा और अपना फाइनल रिव्यू भी दूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक भी बने रहना है। गाइस, हमको बहुत ही प्यारा सा बॉक्स यहाँ को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे वॉच का लेफ्ट साइड का राइट साइड का डिज़ाइन है और यहाँ पे लेफ्ट साइड का डिज़ाइन बना हुआ है। साइड पैनल में आप देख सकते हैं वॉच 7 लिखा हुआ है और इधर कलर लिखा हुआ मेंशन किया, ब्लैक कलर में अभी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी इंस्पायर लाइफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है ऊपर में, वॉच 7 भी इधर लिखा हुआ है और साइड में आप देख पा रहे होंगे सीरीज 7 का वॉलपेपर है, जो कि नया आया हुआ है। अभी हम लोग इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं, सिंपली एक मेनू कार्ड मिलेगा जो कि हम लोग कभी पढ़ते नहीं। आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे बारकोड बना हुआ है जिसको स्कैन करके आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बाद में आपको यहाँ पे चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि मैग्नेटिक वाला है। मैं चार्जर इसको लगा के देख लेता हूँ और राइट साइड में आपको वॉच देखने को मिल जाती है जो कि कुछ इस तरीके से रखी हुई थी। अभी हम लोग चार्जर लगा के आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है। ये देख रहे हो आप, दो पॉइंट बैक साइड में, ये दो पॉइंट सिंपली आपको चार्जर के दो पॉइंट से मैच करते हुए ऐसे लगानी है। एक साइड से लगता है, एक साइड से नहीं लगता। ये देखिए, ये चिपक जाता है डायरेक्ट मैग्नेटिक, तो आप इसको चार्जिंग पे ऐसे इजीली लगा सकते हैं। अभी हम लोग बॉक्स को अनरैप कर लेते हैं तो कुछ बहुत ही प्रीमियम सा बॉडी डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। और ये गाइस वाटर रेजिस्टेंट है, तो आप कि ये जो वॉच है ये आराम से पानी सहन कर लेंगी। डुअल बटन देखने को मिल जाती है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है। और बैक साइड में आप देख रहे होंगे बहुत ही प्रीमियम सी बॉडी देखने को मिलती है। ये नीचे में जो लगी हुई है सेंसर्स है और ये दो पॉइंट चार्जिंग के जो होते हैं। अभी हम लोग इसको नीचे वाले बटन से ऑन कर लेते हैं। स्टेप्स की क्वालिटी में देखूंगा बहुत अच्छी है। और ये हमने नीचे वाले बटन को दबा के रखा है कुछ सेकेंड और ये हो गई हमारी वॉच ऑन। तो वॉच ऑन होते टाइम कुछ आपको स्क्रोलिंग का देखने को मिल जाता है और फेस गाइस बहुत ही प्यारा देखने को मिल गया मेरे को पहली बार में। स्क्रोल वर्किंग भी है गाइस और बहुत प्रीमियम क्वालिटी मेरे को देखने को मिल रही है। ये वो W26 Plus Pro का ऊपर वाला मॉडल है। तो फेस में आपको सारे दिखा देता हूँ, बहुत प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पे फेस देखने को मिल रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे ज़बरदस्त ज़बरदस्त वॉलपेपर इसमें लगे हुए हैं। बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। वॉच बहुत ही ऑसम क्वालिटी की है, पहली बार मैं बोलूँगा कि एकदम तकड़ी वॉच निकली है W26 Plus Pro के बाद। बैटरी बैकअप इसका आपको फुल डे देखने को मिल जाएगा। 220 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी होने वाली है। अभी हम लोग इसके मेनू स्टाइल में जाके चेक करते हैं। टच भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, एकदम ऑसम क्वालिटी का टच देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बैडमिंटन का मोड दिया हुआ है, साइकिलिंग का मोड दिया हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स के मोड बहुत सारे दिए हुए हैं इसमें। टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, हालांकि इसके जो सेंसर से वो एक्यूरेट नहीं होते हैं इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा देखेंगे नहीं। ये देख सकते हो आप पीछे में सेंसर तो चालू हो गया बट ये एक्यूरेट नहीं होते उतने, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा चेक नहीं करेंगे। यहाँ से आप म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, ब्राइटनेस हालांकि मैंने फुल करके रखा हुआ है, और साथ में यहाँ से डायरेक्टली इसको ऑफ भी कर सकते हो। बाद में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स के मोड दिए, ये मैं चेक नहीं करूँगा। ये लॉक का क्या सिस्टम है वो देख लेते। द स्क्रीन इज़ लॉक। अच्छा, यहाँ से आप स्क्रीन को लॉक कर सकते हो, लॉन्ग प्रेस दबा के रखना है हमारे को बटन को, तो ये होगी अनलॉक। तो इसमें लॉकिंग का भी फीचर दिया हुआ है साथ में। अभी हम लोग देखते हैं और क्या क्या नए नए फीचर थे। एक ये फंक्शन इजंट इनेबल, अच्छे फीमेल्स के लिए, मतलब लेडीज़ भी इस वॉच को यूज़ कर सकती है। यूनिसेक्स है, ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट है, मतलब आप कॉल वगैरह यहाँ से लगा सकते हो डायरेक्टली। मैं आपको कॉलिंग पैड भी दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल चेक करने का भी है। यहाँ पे साथ में आपको बारकोड मिल जाता है इस वॉच को। इस वाले स्कैनर को स्कैन करके आपको इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, उस एप्लीकेशन से कनेक्ट करना है। हार्ट रेट का ऑप्शन दिया हुआ, ब्रीदिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, टाइमर का ऑप्शन दिया हुआ है और साथ में स्टॉपवॉच का ऑप्शन दिया हुआ है, अलार्म है इसमें और साथ में वेकअप गेस्ट स्क्रीन टाइम का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ से आप स्क्रीन टाइम वगैरह कर सकते हो। वाइब्रेशन का इंटेंशन भी आप यहाँ से इजीली सेट कर सकते हो, तो मैं इतने कम पे रखता हूँ, ज़्यादा वाइब्रेशन मुझे नहीं पसंद। यहाँ से आप कॉल लॉक्स वगैरह देख सकते हो। सेटिंग में उतना कुछ और कुछ नए फीचर नहीं देखने को मिले। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से लैंग्वेज सेट कर सकते हो। बाद में इसके मैंने सारे डिस्कस कर लिए, अभी हम लोग सेटिंग में जाके भी चेक कर लेते क्या क्या ऑप्शन दिया। और ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, स्क्रीन टाइम भी सेट कर सकते हो इसमें, स्क्रीन ड्यूरेशन भी यहाँ से आप सेट कर सकते हो जो कि 5 मिनट 10 मिनट, और राइज टू वेक, मतलब ये भी आप
कर सकते हो गाइस। तो अभी हम लोग इसको सेट कर देते 2 सेकंड पे, और मैं इसको पहन लेता हूँ अपने हाथ में और आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। वेकअप गैस्चर हम लोग इसको दूसरे वॉच में बोलते हैं। जब आप अपने फेस की तरफ इस वॉच को लाओगे तो प्रॉपरली ये आपको डिस्प्ले ऑन करा देंगे। अभी हम लोग इसको पहन लेते हैं। तो गाइज मैंने वॉच पहन ली, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका कमाल। तो ये लाया हमने अपने फेस की तरफ और ये हो गया हमारा डिस्प्ले ऑन। फिर से इसको बंद होने तो फिर हम लोग अपने फेस की तरफ लाते, फिर से डिस्प्ले हो गया ऑन। बहुत ही इंस्टेंटली वर्क करता है और बहुत स्मूथ है इसका गाइज जो वेकअप गैस्चर, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अभी हम लोग देख लेते हैं बाकी की सेटिंग्स में क्या क्या आता है। सेटिंग्स में हम लोग को मेन्यू स्टाइल भी देखने को मिलती है। यहाँ पे मैंने पहला मेन्यू स्टाइल सेट करके रखा था, अब मैं सेकंड वाले के ऊपर जाता हुआ देखता हूँ सेकंड वाले मेन्यू के ऊपर क्या आता है। तो सेकंड वाले मेन्यू के ऊपर स्मार्ट स्टाइल आ गया। थर्ड वाले मेन्यू को देखते हैं अभी हम लोग। थर्ड वाले मेन्यू पे अपना 9 ऐप्स वगैरह आ गया। इसके बाद अभी हम लोग फोर्थ नंबर का देखेंगे। सारे मेन्यू स्टाइल आपको मैं चेक करा देता हूँ ताकि आपको सब अच्छे अच्छे समझ में आए। इसमें 12 मेन्यू स्टाइल दिए गए। बहुत ही खतरनाक सी वॉच है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वॉच इसमें, क्योंकि इतने सारे मेन्यू स्टाइल है। आपको किसी भी वॉच में इतने सारे मेन्यू स्टाइल तो देखने को नहीं मिले अभी तक, ना मुझे मिले। तो बहुत ही कमाल कमाल के यहाँ पे देखने को मिलते हैं मेनू स्टाइल। अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 5 कंप्लीट किए हैं और बाकी के बचे ही है, हम लोग सारे के सारे देख लेंगे इसमें ताकि हमको, ओ भाई साहब, सारे के जितनी भी वॉचेस थी गई अब तक की, सारे के मेनू स्टाइल इसमें ढाल दिए कंपनी वालों ने, जो कि बहुत कड़क वाली बात है। बाप रे, बहुत ज़बरदस्त मेनू स्टाइल है गई। और इसमें आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो खुद का, अगर आपको पासवर्ड सेट करना है तो आप खुद का पासवर्ड भी सेट कर सकते हो। अभी हम लोग के और 2-4 बचे हुए, बाप रे 4 मेन्यू स्टाइल बचे, इसलिए हम लोग ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली चलता हूँ। अच्छा गाइज, इसमें बहुत सही मेन्यू स्टाइल दिए हुए सब वॉच की बाप है गाइज। अब मैं आपको अबाउट में जाके इसका मॉडल नंबर जो है वो बता देता हूँ। मैंने अबाउट के ऊपर क्लिक किया था, रिसेट के ऊपर क्लिक किया, वॉच 7 इसके ऊपर लिखा हुआ आता है ब्लूटूथ नेम में। और डिस्प्ले है देख सकते होंगे आप, और वॉच की बॉडी बहुत ही प्रीमियम नेक्स्ट टू ओरिजिनल वाली क्वालिटी। और ये हम लोग पन्नी पहले निकालते, हम लोगों ने अब तक भी पन्नी में ही छीन लिया था, अब हमने पन्नी निकाली गाइस। बहुत ऑसम क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्रीमियम क्वालिटी है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी गई थी। बहुत कड़क सी वॉच है, सब वॉच की बाप है गई। अब मैं इसको थोड़ी देर यूज़ करके अपना फाइनल रिव्यू देता हूँ। 2-4 घंटे में यूज़ करूँगा और अपना फाइनल रिव्यू देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं पूरा दिन यूज़ करता हूँ फिर आपको फाइनल रिव्यू देता हूँ। तो आइए कुछ सेकंड में मिलते हैं अपना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस मैंने पूरा फुल डे इसको यूज कर लिया है, अभी मैं फाइनल रिव्यू पे आता हूँ। मैं इसको कुछ आपको फायदे बताने वाला हूँ और कुछ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो वाली बातें भी दोनों बताने वाला हूँ। तो पहले फीचर मुझे अच्छे नहीं लगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं इसमें कस्टम वॉलपेपर नहीं लगा पाया गाइस, जो कि मेरा फेवरेट रहता है वीवी का, हम लोग कस्टम वॉलपेपर लगाते हैं हमारे सारे वॉचेस में, बट इसमें मैं नहीं लगा पाया। पता नहीं क्या इशू था एप्लीकेशन में, बट ऑप्शन है इसमें कस्टम वॉलपेपर का, बट मैं वो लगा नहीं पाया। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तो शायद अपडेट आने का होगा, इन फ्यूचर आ जाएगा तो आप शायद कस्टम वॉलपेपर लगा पाओ। सेकंड थिंग, यहाँ पे अपने को गाइस कैलकुलेटर देखने को नहीं मिला मुझे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। मैंने पूरे फीचर्स डिस्कस कर लिए, पूरे फीचर्स देख लिए, बट यहाँ पे कैलकुलेटर मुझे देखने को नहीं मिला, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा है, क्योंकि कैलकुलेटर भाई काम में आ जाता। जो पिछली वाली वॉच हमने अनबॉक्स की थी, उसके पहले भी जो अनबॉक्सिंग थी उसमें हमको कैलकुलेटर देखने को मिला था, इसमें कैलकुलेटर का ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिला। कि अब मैं इसके फायदों के बारे में बताता हूँ आपको। फायदा ये गाइस कि ये फेस देखो आप, एक ये फेस है, इसके ऊपर हम लोग जैसे ही टैप करते इसमें सारे अलग अलग कैरेक्टर आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। कभी डॉग का आता है, कभी लेडीज का आता है, कभी भूत का आ जाता है, ये वाला फीचर मुझे अच्छा लगा। जैसे ही हम लोग साइड से स्वाइप करते हैं इस वाले वॉच में, साइड से स्वाइप करने पे आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, फुटस्टेप का ऑप्शन मिल जाता है, बारकोड का भी ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। जैसे ही हम लोग राइट स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे नहीं समझी क्या है ये। उसके बाद फिर से राइट स्वाइप करते हैं हम लोग तो यहाँ पे अपने को हार्ट रेट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें एक्यूरेट नहीं होते सेंसर, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। बाद में यहाँ पे डीप मोड स्लीप का मोड मिल जाता है, और बाद में आपको यहाँ पे और भी कुछ ऐड कर सकते हो, डेटा वगैरह सब कुछ। अगर आप ऊपर से स्वाइप करते हो तो यहाँ पे ब्लूटूथ मतलब नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है अपने को, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन वगैरह सब देख सकते हो जब आप मोबाइल को वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लोगे। तो इसका जो बेसिकली ऐप का नाम है वो एम एक्टिव प्रो, ये नाम है। इस एप्लीकेशन से आप इस वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। जब ऊपर से नीचे स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे
नाइट मोड का ऑप्शन मिल जाएगा और ब्राइटनेस सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है यहीं से, और यहाँ से आपको नोटिफिकेशन वगैरह देखने को मिल जाती है, और बाद में यहाँ से स्विच ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है और बारकोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। अच्छी वो W26 Plus प्रो से बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसमें फेसेस बहुत अच्छे हैं और इसका डिजाइन गाइस बहुत प्रीमियम फील कराता है, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी लगती है, और ये वाटर रेजिस्टेंट भी है, तो आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है वाटर से, बस ज्यादा देर तक मत डुबा के रखना, नहीं तो फिर। इसके साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक भी करते। चले मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, और जिनको भी ये वॉच ऑर्डर करने का है वो नीचे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा और इंस्टाग्राम का आईडी भी दे दूंगा, तो वहां पर जाके आप इस वॉच को ऑर्डर कर सकते हो। बाय।